GPFO पर्सनल असिस्टेंट में मैथ में आप सभी के कौन कौन से टॉपिक्स आपके पूछे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपका क्वांटिटेटिव अप टू टू डेट यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। तो कौन कौन से टॉपिक्स आप सभी के आएंगे, क्या क्या चीज़ें कवर होंगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना, ठीक है, वो आपके अर्थमेटिक से आपके आने वाले हैं। एडवांस का जो भी पोर्शन है, जो बैटरी वगैरह, वो आपका नहीं आने वाला है। अर्थमेटिक का आपका आएगा। अर्थमेटिक में क्या क्या आएगा, एक तो आपका परसेंटेज का हो गया, दूसरा आपका एवरेज का हो गया, तीसरा आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आपका हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस आपका हो गया। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद अगर आप देखोगे तो इसके अलावा आपका इंटरेस्ट का आपका हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट का आपका हो गया। इंटरेस्ट के अलावा अगर आप देखोगे तो आपका एलिगेशन का आपका हो गया। ठीक है, तो जो भी आपके अर्थमेटिक में टॉपिक्स हैं, वो आपको किसी भी मैथ की बुक में आप देखोगे तो वहाँ पे अर्थमेटिक में आप देखोगे तो अर्थमेटिक में कई सारे टॉपिक्स हैं, जैसे आपका टाइम एंड डिस्टेंस का आपका हो गया, ट्रेन का हो गया, ठीक है, ट्रेन का हो गया, ठीक है, बोट का हो गया, ठीक है, टाइम एंड वर्क आपका हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे ऐसे टॉपिक हैं, लगभग आपके 8 से 10 ऐसे टॉपिक्स आपको होंगे जो आपके अर्थमेटिक में आपके कवर होंगे, और इन्हीं टॉपिक्स पे आपको जो सम्स हैं, ठीक है, कोशिश करो लास्ट ईयर का कोई भी CHSL एग्ज़ाम अगर आप उठा लोगे CSL एग्ज़ाम से, तो वहाँ से अगर आप भी करना चालू करोगे, SSC में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए मैथ में, अगर वो भी कवर कर लोगे तो EPFO के पर्सनल असिस्टेंट का लगभग मैथ का पेपर जो है सॉल्व कर लोगे, उतना हार्ड आपका नहीं आएगा, आपका इजी क्वेश्चंस आपके मैथ में रहेंगे, क्योंकि स्टैंड में मैथ आती नहीं है, लेकिन इन्होंने ऐड ऑन करी हुई है, तो आपके क्वेश्चंस इजी ही रहेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी क्वेरी रहेगी आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, एडमिट कार्ड रिजल्ट वगैरह के लिंक आपको दिए जाते हैं, कोई भी PDF होती है वहाँ पर दी जाती है, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन